तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से फिर बड़ा झटका दिया गया है। जहां बीजेपी नेता डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, आम आदमी पार्टी के नेता पुष्पेंद्र परिहार ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दोनों को कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश करवाया है। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की घर वापसी हुई है। उपेंद्र परिहार जी जो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, बीच में कुछ कारण और पार्टी में चले गए थे, फिर से कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। इनके आने से हमारे युवाओं में अच्छी मतलब उसका लाभ मिलेगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी में हमारे साथी उपेंद्र परिहार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है सर, उसमें कांग्रेस पार्टी में एक साल से किया और माननीय अध्यक्ष मोदी जी के साथ दौरा भी किया हुआ था। कुछ नाराजगी थी, मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे लोकसभा अध्यक्ष का प्रभार दिया गया था। लेकिन मैंने देखा ये पार्टी एक एनजीओ पार्टी है और एक तानाशाही पार्टी है। केवल ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोई सेवा का पूरा दिखावा करना है और एक अलगाववादी नीति की पार्टी है। इनका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, कोई मतलब स्पष्ट नहीं है और ये टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चंदा करो ये दबाव बनाते हैं पूरा, तो उनसे मेरा मोह भंग हो गया है और मैं भैया के सहज सरल और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ आना चाह रहा हूँ। और मैं ईमानदारी से कोई मतलब कोई लालच नहीं, कोई पद नहीं, मतलब निष्ठापूर्वक मैं कांग्रेस में काम करूँगा।